राम राम जी सारे ने। तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विशु डागर व्लॉग में। तो मेरा भाई आया हुआ था और कई साल से जागरण में आती हूँ और वही सही में माता रानी की तस्वीर देख के, मूर्त देख के दिल खुश हो जाता है। और जो मेरे साथ बच्चे गए हुए थे जैसे विराट, विशाली और शाना, इनको आ रही थी नींद। मैंने कहा तुम्हें तो नींद आ रही है अभी से ही, मैंने कहा मतलब पूरी रात बैठती हूँ और इतनी भीड़ थी ना। और ये आ गए थे माता रानी के शेर, ठीक। और वही इतना मन लग रहा था, इतना सुकून मिलता है ना जब भजन कानों में चलते हैं माता रानी के। माता रानी ऐसे ही सब पे कृपा बनाए रखे, मैं तो ये बोल किसी के दुख ही ना आवे। और गाइज ये निकल रही थी झांकी हमारी दुकान के आगे से। हर साल मतलब इतना आनंद आता है ना, मतलब इतनी रौनक रहती है हमारे गांव में तीज त्योहारों पे। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब जैसे शहरों में नहीं होती है, गांव भला ही है लेकिन इसमें सारी चीज़ें होती है, जैसे दशहरा, तीज, सारी चीज़ें मनाते हैं। और भाई बच्चों का सबका मन लगा रहता है इन चीज़ों से। तो ये बना रखे थे रावण और सीता। और भाई मैं शाम को पहुँच चुकी थी रावण देखने और काफ़ी टाइम हो गया था, हम थक चुके थे। रावण फुक ही ना दे रहा था। हम तो फिर भी एक घंटा पहले आए थे लेकिन हमारे से पहले इतनी भीड़ थी कि आसपास के गांव जैसे मिलकपुर, समसपुर के गांव के भी आते हैं रावण देखने, क्यों हमारे गांव में ही रावण फूकता है। और तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर मिल गई थी मुझे अंजलि दलाल, मेरी एकदम नज़र गई उनकी और ये तो अंजलि है। तो बड़ी खुशी हुई अंजलि से भी मिल के। और ये कुछ नज़ारा ऐसा है, अब की बार लाइटें वगैरह अच्छी लगा रखी थी पिछले साल। फिर अगली सुबह मैंने नहा धो के फटाफट मैंने मशीन लगा ली, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन थी तो इससे कपड़े डाले, सर्फ डाले और अपना आप ही कपड़े धुल जाते हैं, तो बस सुखाने ही बाकी रहते हैं। बहुत काम आसान हो जाता है इस मशीन ने, ना तो पानी में हाथ देना ना और कुछ। और फिर उसके बाद मैंने लगाई जोत बत्ती, लगाया फिर मैंने कपूर, मैंने एक कपूर की मशीन सी ला रखी है, उसमें मैं कपूर डाल देती हूँ और सारे घर में कपूर की बहुत अच्छी महक हो जाती हैगी। फिर मैंने जोत बत्ती लगाने के बाद मैंने सूरज देवता को मैंने जल दिया। आज मैं हूँ गैस का बर्ती, जो महीने भीतर आया करे तो गैस का बर्ती रहना पड़ा है। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि भाई तू भी गैस का बर्ती रह ले, अच्छे होते हैं गे, जोड़ा कर लेते हैं। तो मैं भी बरती हूँ, मैं वैसे बहुत कम अब व्रत वगैरह रखती हूँ क्योंकि मेरे बस की नहीं है बिल्कुल भी व्रत रखना। एक तो दवाई खाऊँ फिर ऊपर से खाली पेट, तो मैंने कहा भाई भगवान माता रानी शक्ति देगी व्रत रखने के भी। तो मैं, मेरा आज फास्ट था तो मैंने फटाफट नहाई धोई, मैंने जोत बत्ती जैसे मैंने आपको दिखाया है और कपड़े भी। अब मुझे इतना नहीं पता कि गैस वाले दिन, बर्ती वाले दिन कपड़े धो लेते हैं या नहीं धोते, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कपड़े धोते हैं नहीं धोते। पर मैंने मशीन लगा ली है। भाई सही बताओ ना, मेरी जब सास थी ना तो मावस होती थी, तो मावस में पहले मावस मनाने से पहले कपड़े नहीं धुलवाती थी, कहती थी कि नहीं कपड़े नहीं धोते, पहले मावस बनेगी उसके बाद, और ना चक्की चलती थी। तो गाइस किस किस के यहाँ ऐसा होता है, भाई मेरी सास तो पहले ऐसे करवाती थी भाई, वो सही बताऊँ ना, थोड़ी सी क्या वो घड़ी स्टिक थी, स्टिक के साथ साथ थोड़ी सी रूल रेगुलेशन जो होते हैं ना भगवान के प्रति हर चीज़ में, वो बड़ी वो रखा करती, ठीक है। तो आज मैं फास्ट है मेरा, तो उसके अब मैं जाके बनाऊंगी रोटी राटी। तो गाइज यही रहता हैगा, मैं क्या व्लॉग में बनाऊँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग भी कुछ सेंटर में नहीं है ना। तो गाइज ये पुष्पा का ऐसे वेलकम करता है, भू भू कैसे ऐसे पुष्पा आई है, तो अब ये पुष्पा का बहुत अच्छे से वेलकम कर रहा है, है ना। आज पुष्पा अपनी बेटी को लेकर आई है, पुष्पा आ जा। ओए मेरी चप्पल ले ली इसने, बदतमीज है, बहुत बदतमीज है, तुम कहिए इसने, देख देख पाड़ेगा चप्पला ने, देख देख खींच रहा है, तोड़ दी तोड़ दी, बड़ा पागल है सच में, इसको भी नहीं। वो मेरी चप्पल ले गए और देख गई गई पुष्पा, ये लेगा चप्पल मेरी और मैं नंगे पैर हूँ, ठीक है। लादियो चप्पल दे दे, चप्पल दे दे, दे दे चप्पल दे दे, बेशरम आदमी, शर्म कर ले थोड़ी सी, ला चप्पल दे यार, दिवा दो चप्पल मेरी। अरे ना दे, छोड़ अभी नहाई थी मैं, इसे सुथरे पैर साफ करे थे, देखिए इसके भरो खेच के
देख दे मना कर रहा है, देख देख दे मना कर रहा है कि चप्पल मत ले। छोट छोट तो पेट्रोल का इसे बांध ही दो, बदमाशी नहीं करेगा फिर यो।